लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 29 अगस्त की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार और सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। ट्विन टावर्स जमींदोज हो गया। नोएडा का ट्विन टावर चंद सेकंड में गिरी 32 और 30 मंजिला इमारत। सुपरटेक ने दावा किया है कि नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्त होने से कंपनी को करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। पीएम मोदी बोले, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से देश में आएगी साइलेंट क्रांति, 2070 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य। दो दिवसीय भारत दौरे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति धनखड़ से मुलाकात की। पंजाब में लंपी वायरस से दूध उत्पादन में 20% तक गिरावट। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन से जारी दबाव के बीच अमेरिका के दो जंगी जहाज ताइवान के पास से गुजरे। श्रीलंका को सहयोग की जरूरत है, न कि अवांछित दबाव की, भारत ने जहाज को लेकर चीन को लताड़ा। श्रीलंका में प्रमुख खाद्य पदार्थ पहुंच से बाहर हो गए हैं, कुपोषण की समस्या बढ़ी, यूनिसेफ। भारत चीन का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाएगा, अमेरिकी नौसेना प्रमुख। और अब कुछ खेल समाचार। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक चिराग ने जीता ब्रॉन्ज, सेमीफाइनल में चूके। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग फतह करके रचा एक और इतिहास। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ से बैन हटाया, भारत में ही होगा महिला वर्ल्ड कप। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ कोरोना से उबरे, पाकिस्तान के मैच से पहले जुड़े टीम में। यूएस ओपन 2022, यूएस ओपन आज से जोकोविच नहीं खेलेंगे। नडाल के पास 23वां ग्रैंड स्लैम जीतने का मौका। अब समाचार बिजनेस संबंधित। भारतीय शेयर बाजारों पर विदेशी निवेशक फिदा, अगस्त में खरीद डाले 49,254 करोड़ के स्टॉक। अकासा एयर को लेकर आई बड़ी अपडेट, कंपनी के डाटा में लगी सेन। म्यूचुअल फंड कंपनियों में सिल्वर ETF लाने की मची होड़, निवेशकों के पास दांव लगाने का मौका। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि पर ग्रहण। इलेक्ट्रॉनिक KYC की वजह से लटक रही है अगली किश्त पर तलवार। अब तक जनधन योजना के तहत 46.25 करोड़ खाते खुल चुके हैं और इन खातों में 1,74,00,000 रुपए जमा हो गए हैं। और समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद।